हाँ जी, सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए एक नई नोटिफिकेशन आ चुकी है। दो तरीके की नोटिफिकेशन है, पहले एक गुड न्यूज़ है कुछ बच्चों के लिए और दूसरी बैड न्यूज़ है। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था सीएमए फाउंडेशन का, जो कि अभी हेल्ड हुआ है, कौन सी तारीख को, 13 जैन को, उसमें काफ़ी सारे सर्वर एरर आए थे, जिसमें काफ़ी बच्चों को लग रहा था कि सिर्फ उन्हीं का पेपर जो है उसमें परेशानी आ रही है, लेकिन वो इंस्टीट्यूट की साइड से सर्वर एरर था, जिसका सोल्यूशन अब इंस्टीट्यूट ने निकाल लिया है और दोबारा से री एग्जाम होगा। इसकी नोटिफिकेशन कल आ चुकी है। देखिए क्या ये नोटिफिकेशन है, किन किन बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल है और क्या पेपर सभी को देने पड़ेंगे, या जिन बच्चों का पेपर लेट हो गया था उनका दोबारा देना पड़ेगा, या दिन का टाइम से सबमिट हो गया क्या उन्हें देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इंस्टीट्यूट ने इस नोटिफिकेशन के जरिए क्लियर कर दी हैं। दोबारा एग्जाम डेट आ चुकी है, किस किस के ऊपर अप्लाई होगा मैं फटाफट से आपको बता देता हूं। ये देखिए, ये है डेटेड 14 जनवरी, यानी कि कल की ही डेट में नोटिफिकेशन आई है। क्या कहती है नोटिफिकेशन, देखिए। पहली चीज तो एरर क्या हुआ था कि इंस्टीट्यूट का जो सर्वर था वो हैंग हो गया था और उसमें काफी सारी परेशानी आ रही थी। रीजन क्या था कि उसमें बहुत सारे बच्चे अनरोल्ड थे, हालांकि एरर होना नहीं चाहिए था। रीजन बिंग इंस्टीट्यूट को पहले से पता था कि कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो काफी लोग जो ऐसे कंपेयर कर रहे हैं कि व्हाट्सएप पे भी आ जाता है कभी एरर, फेसबुक इंस्टाग्राम, तो वहां पर अननोन ट्रैफिक होता है। वहां पर कई लोग फिजिक्स वाला से भी कर रहे हैं कि वहां उस मूवी में भी दिखाया है कि उसमें परेशानी आ गई, तो वहां पर जो भी परेशानी है वो अननोन ट्रैफिक की वजह से होती है। इंस्टीट्यूट को पहले से पता था कि कितने बच्चे एनरोलर एग्जाम होने वाला है, तो ये बड़ी मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि बड़ी शर्मनाक सी बात है कि ऐसा हो गया है। चलिए फिर भी हम देखते हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट ड्यू टू टेक्निकल लॉगिन इश्यूज इन फाउंडेशन एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 टर्म का जो था, लेकिन जिसका एग्जाम अभी हुआ है 13 को, हेल्ड ऑन 13 जून 2023, एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड अगेन फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। यहां परेशानी डाल दी है इंस्टीट्यूट ने, फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। अब ऑल द कैंडिडेट्स का मतलब क्या है कि जिनको परेशानी आई थी उनको, या फिर जिनका स्मूथली चला गया क्या उनको भी देना है, ये बताता हूं मैं अभी आपको। नई डेट्स क्या है तो नई डेट्स देख लीजिए। पहली जो नई डेट है आपकी वो है 21 जनवरी और 23 जनवरी, मतलब इसी मंथ में 21 और 23 तारीख को दो डेट्स निकाली हैं इस बार इंस्टीट्यूट ने। इसका मतलब एग्जाम को जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्प्लिट कर दिया गया है ताकि दोबारा से ऐसा सर्वर एरर ना आए। उसके बाद All the eligible candidates need to reappear on their allotted dates. तो जितने भी eligible candidates हैं जिन्होंने अभी foundation exam दिया था, उनको दोबारा से reappear होना पड़ेगा। Please follow the date of examination as mentioned in your admit card. The new admit cards its eligible to students will be issued soon. बहुत जल्दी आपको एक ईमेल आएगी, उसके अंदर दोबारा से इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, डेट भी आपकी वाली लिखी होगी कि इस किस तारीख को आपका एग्जाम होगा या 23 तारीख को आपका एग्जाम होगा, ये आपकी ईमेल में लिखा होगा बाकी सारी इंस्ट्रक्शन के साथ। रिजल्ट जो है वो 21 जनवरी और 23 जनवरी फाउंडेशन एग्जाम का विल ओनली बी कंसिडर्ड। इसका मतलब कुछ बच्चे जो सोच रहे हैं कि जिनका एग्जाम 13 तारीख को चाहे लेट हुआ या टाइम से हुआ लेकिन हो गया, सही हो गया, सबमिट हो गया, उसमें सबमिटेड लिखा आया, सक्सेसफुली सबमिटेड लिखा आया, उनका अगर वो एग्जाम दिया है और वो ये सोच रहे कि अब हम रीअपियर नहीं होंगे, तो 13 जनवरी वाला जो एग्जाम है उसका रिजल्ट जो है मैटर नहीं करता। आप जो एग्जाम देंगे 21 तारीख को 23 तारीख को, सिर्फ उसी का रिजल्ट कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब वो सभी बच्चों पे, ऑल स्टूडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। इसका मतलब सभी बच्चों को दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। ये अच्छी खबर उन बच्चों के लिए है जिनका लॉगिन फेलियर हो गया था, या फिर पेपर तो हुआ था लेकिन बहुत डिले शुरू हुआ। 90% बच्चों का पेपर बहुत डिले शुरू हुआ होगा क्योंकि ट्रैफिक की वजह से, तो उनका जो माइंडसेट था वो ऑलरेडी खराब हो गया था। पेपर देने से पहले जो माइंडसेट होता है सारी चीजें याद होती है, बच्चा डर में बैठा मेरा पेपर होगा या नहीं होगा, तो उससे जो वहां पर हैरासमेंट हुई थी बच्चों की, ऐसे बच्चे जिनकी हैरासमेंट हुई थी, जिनके पेपर में डेफिशिएंसी आई होगी प्लस एफिशिएंसी कम आई होगी, मार्क्स भी उतना फोकस नहीं रहा होगा, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन दिए होंगे, अगले पेपर का टाइम स्लॉट खराब हो गया, तो बहुत सारी चीजें थी, तो उन बच्चों के लिए अच्छी बात है। बुरी बात किन बच्चों के लिए, जिनका लेट शुरू हुआ या कैसे भी शुरू हुआ लेकिन उनका पेपर बहुत अच्छा गया, उनको ऐसा लग रहा है कि 350 प्लस स्कोर किए जाएंगे, तो दोनों ही सिचुएशन में मैं आपको अज्यूम करके बताता हूं कि दोनों ही सिचुएशन में आपकी विन विन सिचुएशन है। रीजन बींग कि जो पहले पेपर आया था उसमें आपका जो माइंडसेट था वो खराब हो गया होगा, अब जो पेपर आएगा वो टाइम से शुरू होगा, टाइम से खत्म होगा। आधे से ज्यादा बच्चों ने लैपटॉप से शुरू नहीं हो रहा था, मोबाइल से दिया था, बहुत सारी परेशानी आई थी। अब जो 21 और 23 तारीख को पेपर होगा फ्लॉलेस पेपर होगा, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, बिल्कुल टाइम पे शुरू होगा और जैसा पेपर आना चाहिए और जितना टाइम आपके माइंड को मिलना चाहिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे बिना किसी हैरासमेंट, बिना किसी जल्दबाजी के, उतना टाइम आपको मिल रहा होगा। तो इसका मतलब ये सभी स्टूडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। आपका एग्जाम कैसे भी हो, ये आप इंस्टीट्यूट की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को, या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहां से भी ले सकते हैं। डेट्स जरा ध्यान से देख लीजिएगा, तो मामा मामी के घर जिन्होंने भी जाने का प्रोग्राम छुट्टी का बना लिया है, या जो निकल चुके हैं वापस आ जाएं। 21 और 23 में से आपको एक डेट अलॉट होगी जो कि आपकी ईमेल पे आएगी। ध्यान रखिएगा, मेल को चालू रखिए, फुल ना हो, स्पैम वगैरह फोल्डर आप चेक करते रहिएगा।
एग्जाम की डेट की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल पे आपको मिल जाएगी। ध्यान रखिए सभी स्टूडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है जिन्होंने एग्जाम दिया था, तो दोबारा से तैयारी में लग जाइए। ऑलरेडी वैसे आपकी तैयारी होगी, गो थ्रू करके प्रोविजंस वगैरह जो भी ऊपर नीचे तैयारी है उसे बिल्कुल दुरुस्त करके और एग्जाम दे दीजिए 21 और 23 को। और ध्यान रखिएगा जैसा भी आपका एग्जाम 13 तारीख को गया था उससे अच्छा जाएगा, इस बात की गारंटी है। रीजन भी कि इस बार ऐसी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो इस नोटिफिकेशन के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप इस नोटिफिकेशन को ले लीजिएगा और अपनी ईमेल जरूर चेक करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।